सो वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आर्टक्राफ्ट। तो आज मैंने एक वुडन ब्लॉक लिया है जिसको मैंने स्मूथ कर लिया है। तो आज मैंने न्यू नियॉन कलर्स लिए हैं, ये काफ़ी ब्राइट होते हैं। तो ये है 99 के। तो अब इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर शेड्स है पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, येलो। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इस ब्लॉक को टेप करता हूँ। तो मैं इसको अब टेप कर देता हूँ। तो मैंने इसको टेप कर दिया है। अब मैं न्यू कलर का यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं ऑरेंज ले रहा हूँ। अब क्या आप जिस टाइम मेरी शेप में टेप को लगा सकते हैं, तो मैंने इस शेप का सोचा, मैंने लगाया। तो न्यू कलर को मैं कॉटन से कर रहा हूँ। अब ब्रश से भी कर सकते हैं, पर ब्रश था नहीं तो इसलिए मैंने कॉटन से किया। तो मैंने एक नैपकिन में रख लिया हुआ है, नैपकिन में रख लिया हुआ है। उसको थोड़ा ब्राइट, ये काफ़ी ब्राइट होते हैं इसलिए काफ़ी अच्छे लगते हैं, ग्लोइंग लगते हैं। तो मैंने लिया है अब येलो। तो अब मैंने लिया है ग्रीन। पर मेरे पास दो कलर ट्राई किया है करने के लिए, तो मैंने अब ग्रीन कर लिया है। इसको भी सभी को कॉटन से ही किया है। और मैंने पिंक का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अब इसको रिमूव करने जा रहा हूँ। ये काफ़ी आसानी से बाहर आ गया है, बाहर आ गई सारी टेप। तो अब मैं रेड एक्लेरिक कलर का यूज़ करने लगा हूँ। इसका मैं पार्ट टू भी बनाऊँगा, जिसमें मैं इसका टोटली उल्टा बताऊँगा, लाइक ओल्ड फेस एंटिक लुक दूँगा पिछले फेस को। ये थोड़ा मॉडर्न आ गया तो वो थोड़ा ओल्ड हो जाएगा। तो इसमें मैं एयरबड का यूज़ कर रहा हूँ। ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, ये काफ़ी इजी और सिंपल है। तो मैंने कर लिया है ख़त्म, ये काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।